रे न गोपाला बजराधे कृष्ण गोपाला बजराधे कृष्ण गोपाला बजराधे कृष्ण गोपाला जय श्री राधे। जय महात्माओं को जनहित की एक पीड़ा रहती है हृदय में और वे ही सच्चे संत हैं। ऐसे संतों के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। स्वयं तो वे पार हो ही जाते हैं भवसागर, किंतु उनको ये जो जनता है अनादिकाल से कष्ट भोग रही है, बार बार जन्म बार बार मरण, इसके अतिरिक्त अनेक नारकी यातनाएं हम लोग भोगते आ रहे हैं, इस कारण से वे जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे हम जैसे स्वार्थी लोग नहीं होते हैं। जैसे सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज बताया गया, जहाज खुद तो पार हो ही जाता है, अपने ऊपर बैठाल करके अनेकों को पार कर देता है, ऐसे संतों के लिए भगवान का अवतार होता है। ऐसे महापुरुषों का गर्भस्थ तुइ ने वर्णन आया है दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में। गर्भस्तुति है, ब्रह्मा भवादि देवैर सानुचरैः ही गिरिभिर स्तुतियों से ब्रह्मा शंकर आदि ने किया है। स्वयं समुत्तीर्य स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीम मदभ्रसौहृदा भवत्पदाम्भोरुनावमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। जो जहाज रूप महापुरुष हैं, जो अनेकों का भवसागर से निस्तार कर देते हैं, उनकी इस श्लोक में 10.2.31 में चर्चा है। स्वयं तो वे समुत्तीर्य पार हो ही जाते हैं, सुदुस्तरम बड़ा भीम भयानक भवार्णव भवसागर है, उसको पार हो जाते हैं। द्युमन भगवान का संबोधन है, हे प्रकाशात्मा भगवान, वे महापुरुष भीमम भवार्णवम भयानक भवसागर जो सुदुस्तर है, पार करना बहुत कठिन है, उसको वे समुत्तीर्य पार तो हो जाते हैं, किंतु जाते समय वे यहां से ये सोच के जाते हैं कि हम तो पार हो गए, ये बेचारे जो भटक रहे हैं इनके लिए भी हम कुछ कर चलें, हम तो जा रहे हैं। जाने के पहले वे नाव यहां रख जाते हैं। भवत पदाम्भोरु नावम, भगवान के पदाम्बोरु माने चरण कमल की नाव, निधाय माने यहां रखने के बाद तब जाते हैं, अर्थात चरणों का आश्रय बहुतों को पकड़ा देते हैं। भगवान के चरण ही नाव हैं, इनसे तुम पार हो जाओगे, मैं तो जा रहा हूं। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीमम अदभ्र सौरदा। अदभ्र सौरदा माने दभ्र माने थोड़ा, अदभ्र माने उनमें अनंत सौहार्द प्रेम सद्भाव होता है, इसीलिए वे पार होते हैं, इसीलिए वे जन कल्याण का उनमें भाव आता है। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।